नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो रश। आई एम ओमकार एंड आज हम देखेंगे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट को। ये अवेलेबल है 4 वेरिएंट्स में, जी, जीएक्स, वीएक्स एंड जेडएक्स। इस वीडियो में देखेंगे क्रिस्टा जीएक्स को, यानी कि सेकंड बेस्ट मॉडल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इनोवा का नेक्स्ट जनरेशन इनोवा हाईक्रॉस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो इस क्रिस्टा को लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अभी भी क्रिस्टा की डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड इसीलिए इसका रिफ्रेश फेसलिफ्ट वाला वर्जन टोयोटा ने लॉन्च किया है। एंड नई वाली इनोवा हाईक्रॉस मोनोकोक चेसिस के ऊपर बेस्ट है एंड वो ओनली पेट्रोल इंजिन के साथ आती है। एंड ये इनोवा क्रिस्टा लैडर फ्रेम के ऊपर बनी है एंड इसमें सिर्फ डीजल इंजिन अलॉन्ग विथ मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है। सो ओवरऑल टोयोटा ने दोनों मॉडल्स में बढ़िया सा डिफ्रेंशिएट किया है। तो आइए अब देखते हैं इसे डिटेल में। सबसे बड़ा चेंज इसके फ्रंट में है, जहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑल न्यू रीडिजाइंड फ्रंट बम्पर है। इस सेकंड बेस मॉडल में हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं एंड टर्न इंडिकेटर्स नीचे बम्पर में मिलता है। हाँ, लेकिन फॉग लैम्प्स इस मॉडल में नहीं आते। ये देख लो इसकी ऑल न्यू फ्रंट ग्रिल एंड इसके सराउंड में सिल्वर की गार्निश है। ये गार्निश नीचे कंटिन्यू भी होती है एंड यहाँ पर क्रिस्टा की ब्रांडिंग भी आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक आउटसाइड मिरर्स आते हैं अलॉन्ग विद टर्न इंडिकेटर्स। देखते हैं व्हील्स को, यहाँ पर आते हैं 16 इंच के सिल्वर एलॉय व्हील्स। एंड टायर्स की बात करें तो अपोलो के टायर्स है एंड इनका साइज है 205/65 R16 का। ऊपर है बॉडी कलर में शार्प पिन एंटीना एंड ये स्पोर्टी सा दिखने वाला स्पॉइलर अलॉन्ग विथ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। रियर वाइपर एंड डिफॉगर भी इसमें आते हैं। यहाँ पर सेम पहले जैसे स्प्लिट टाइप के टेल लैम्प्स है एंड ये पूरा हेलोजन का यूनिट्स है। कोई भी LEDs इनमें नहीं मिलते। यहाँ पीछे ये छोटा सा चेंज ऐड किया है, जिसमें ये ऊपर वाला पार्ट ग्लॉस ब्लैक में पेंटेड है। रियर व्यू कैमरा इसमें नहीं मिलता, हाँ लेकिन रियर बम्पर के ऊपर 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं एंड ये स्पेयर व्हील या अंडरबॉडी माउंटेड आता है। देखते हैं इंजन को, यहाँ पर आता है 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन एंड ये BS6 फेज 2 कंप्लायंट भी है। कुछ ऐसी दिखती है इसकी रिमोट फ्लिप की, जिसके ऊपर है लॉक एंड अनलॉक के बटन्स। डोर हैंडल्स बॉडी कलर में आते हैं, हाँ लेकिन कीलेस एंट्री का फीचर यहाँ पर नहीं मिलता। तो आइए अब देखते हैं इसके इंटीरियर को। यहाँ पर ड्राइवर साइड कंट्रोल्स है, ये देख लो इसका डैशबोर्ड, ये आता है फुल ब्लैक थीम के साथ एंड यहाँ पर भी कोई मेजर चेंजेस नहीं है। डैशबोर्ड के ऊपर का ये टेक्सचर्ड वाला सरफेस इसको एक यूनिक टच देता है। ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों साइड में ये हिडन कप होल्डर्स है। डैशबोर्ड के सबसे ऊपर है ये डिजिटल क्लॉक एंड उसके ठीक नीचे है ये 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ये सेम सिस्टम है जो पहले के इनोवा एंड फॉर्च्यूनर में हमने देखा है। ये सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो को। इसके अलावा FM, AM रेडियो एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो मिलती ही है। ओवरऑल सिस्टम यूज करने में काफ़ी आसान है। उसके बाद यहाँ पर है मैनुअल AC के कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक AC इसमें नहीं आता। नेक्स्ट है ड्राइव मोड्स जैसे कि इको एंड पावर एंड सबसे नीचे है एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट एंड ओपन स्टोरेज स्पेस। जैसे कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। एंड यहाँ पर एक सिंगल कप होल्डर है। ये देख लो फ्रंट सीट्स अलॉन्ग विद एडजस्टेबल हेड रेस्टेंस। सीट्स के ऊपर ब्लैक कलर में फैब्रिक की अपोस्ट्री भी आती है। फ्रंट सीट्स के बीच में एक आर्मरेस्ट है एंड इसके अंदर एक डिसेंट साइज का स्टोरेज एरिया भी मिलता है। मूविंग ऑन टू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पर है ट्विन पॉड डिजाइन का एनालॉग गेज क्लस्टर अलॉन्ग विद मोनोक्रोम MID। स्टेयरिंग के ऊपर है ऑडियो एंड MID के कंट्रोल्स। यस, एंड ये स्टेयरिंग व्हील टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल भी है। पुश बटन स्टार्ट इसमें नहीं आता, यहाँ पर आपको रेगुलर की डाल के ही स्टार्ट करना पड़ेगा।
एंड यहाँ पर नीचे पार्किंग सेंसर्स एंड DPF का स्विच है। ऊपर है हेलोजन डोम लैंप्स, सनग्लास होल्डर एंड सन वाइजर्स अलोंग विथ वैनिटी मिरर। क्रिस्टा में दो ग्लो बॉक्स आते हैं, यहाँ पर है अपर वाला ग्लो बॉक्स एंड उसी के नीचे है एक लॉकेबल लोअर ग्लो बॉक्स। तो अब देखते हैं इसके रियर सीट्स को। यहाँ पर आता है कूल ब्लैक का इंटीरियर थीम एंड ऑल फोर डोर्स में 4 स्पीकर्स का ऑडियो सिस्टम मिलता है। यहाँ इस सेकंड रो में आप कैप्टन सीट्स को देख सकते हो एंड इनमें ये फोल्डेबल आर्मरेस्ट भी मिलते हैं सो दैट आप पूरे कंफर्टेबल वे में यहाँ पर बैठ सकते हो। रियर पैसेंजर्स के लिए USB चार्जिंग पोर्ट है एंड एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है। थर्ड रो में जाने के लिए ये सेकंड रो सीट टंबल फोल्ड भी होती है। ये देख लो थर्ड रो सीट्स एंड ये एक्चुअली 3 लोगों के लिए बनी है। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस है एंड यहाँ रूफ के ऊपर देखोगे तो सेकंड एंड थर्ड रो के लिए रूफ माउंटेड AC वेंट्स है। अब देखते हैं इसके बूट स्पेस को। यहाँ टेलगेट के ऊपर मिलता है फुल प्लास्टिक क्लैडिंग एंड सभी रो अप होने के बाद यहाँ पर 300 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। अगर आपको ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो थर्ड रो सीट्स फोल्ड भी कर सकते हो। तो ये रही डायमेंशंस क्रिस्टा की स्क्रीन के ऊपर एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 178 mm का। कलर्स ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर 5 कलर्स आते हैं एंड ये है सेफ्टी फीचर्स जो इसके सेकंड बेस मॉडल में आते हैं। ये रहे इसके डीजल इंजन के स्पेक्स एंड ये अराउंड 15 का माइलेज भी देती है। एंड फाइनली इसकी ऑन रोड प्राइस लिस्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टोयोटा इनोवा क्रिस्टा फेसलिफ्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ड्राइव सेफ।